जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए UGC NET JRF परीक्षा दिसंबर 2013 का हल प्रश्न पत्र है। ये हिंदी का द्वितीय प्रश्न पत्र है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि कॉमरेड का कोट किसकी रचना है, अमरकांत, राजेश जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर संजय। तो क्वेश्चन नंबर एक का सही राइट आंसर था कॉमरेड का कोट, ये रचना मानी जाती है किनकी, संजय जी की। अगला क्वेश्चन पूछा गया उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है, पुष्पदंत, रोड़ा कवि, ठाकुर ज्योतिश्वर या फिर दामोदर शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर था उक्ति व्यक्ति प्रकरण की हो जाएंगे कौन, तो दो का डी राइट आंसर यानी कि दामोदर शर्मा। अगला क्वेश्चन है श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, ब्रजनंदन सहाय हैं या फिर गोपाल राम गहमरी हैं। श्यामा स्वप्न के लेखक पूछा है, क्वेश्चन नंबर तीन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही राइट आंसर है, ये उपन्यास माना जाता है ठाकुर जगमोहन सिंह का। अगला क्वेश्चन है तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है, बताइए तेरी मेरी उसकी बात के लेखक बताना है, भगवती चरण वर्मा हैं, यशपाल हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं या अमृतलाल नांगर हैं। तो क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर है तेरी मेरी उसकी बात, यशपाल जी की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर पाँच पूछा गया है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या फिर कन्नौजी। तो क्वेश्चन नंबर पाँच का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, आप सभी का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है अवधी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छः पूछा गया है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना, मूर्धन्य है, तालब्य है, ओष्ठ है या प्रदंत है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका छः है और छः का सही राइट आंसर है सा। सा का जो उच्चारण स्थान माना जाता है वह तालब्य माना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। भाषा और समाज के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सात में आपको सही आंसर बताना है, रामविलास शर्मा हैं, देवेंद्रनाथ शर्मा हैं, धीरेन्द्र वर्मा हैं या उदय नारायण तिवारी हैं। तो सात का सही राइट आंसर है भाषा और समाज, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ था, 61 में, जिसके लेखक माने जाते हैं कौन, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा बिल्कुल सही राइट आंसर है, मार्क्सवादी आलोचक थे, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है, संकोक की, रुद्रट की, विश्वनाथ की या फिर भट्ट नायक की। तो क्वेश्चन नंबर आठ का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, सही आंसर होगा संकोक, विकल्प नंबर एक, जिन्होंने भी चयन किया है संकोक उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर नौ है जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन माने जाते हैं, बताइए कीट्स माने जाते हैं, देरिदा, फ्रायड या फिर बोइलो। तो क्वेश्चन नंबर नौ का सही राइट आंसर है जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं कौन, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है बोइलो, आपका सही राइट आंसर होगा। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन हैं, दांते हैं या ब्रैडली हैं या फिर सास्यूर हैं या जॉनसन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन हैं, तो मुख्य विचारक माने जाते हैं कौन, आप सभी का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही राइट आंसर, फर्डिनेंस ससुर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 पूछा है कि अर्धकथानक किस भाषा की रचना है, अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है अर्धकथानक जो है किस भाषा की रचना है, तो आप सभी का राइट आंसर है बनारसी दास जैन की। ये अर्धकथानक जो है हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है और इसकी जो भाषा है वह ब्रज मानी जाती है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है, नागफनी, जूठन, अपनी खबर या फिर मुर्दिया। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर,
दलित आत्मकथा नहीं पूछा है। 12 का विकल्प नंबर सी अपनी खबर राइट आंसर होगा। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की आत्मकथा है, दलित आत्मकथा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं पंथी कामायनी की किस सर्ग से है, श्रद्धा आशा लज्जा या फिर आनंद। 13वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। सही राइट आंसर है 13 का विकल्प नंबर सी यानी कि लज्जा। लज्जा कामायनी का जो सर्ग है लज्जा, इसी से ये पंक्ति ली गई है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है, देखिए, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुन समीरु प्रगट देखियत, तू तम तरन की ओट दुरावत। ये पंक्तियाँ किन की हैं, ये पंक्तियाँ आपके लिए बताने, सूरदास, नंददास, कृष्णदास या फिर परमानंद दास। तो क्वेश्चन नंबर 14 है और राइट आंसर है ये पंक्तियाँ मानी जाती हैं सूरदास जी की। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलंगन कथन किस रचना से है, ध्रुव सौमनी से, प्रेम योगिनी से, कर्पूर मंजरी से या नील देवी से। 15 का सही राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी का सही राइट आंसर ये जो कथन है ये ध्रुव सौमनी का माना जाता है। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है ध्रुव सौमनी, जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक माना जाता है ध्रुव सौमनी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस्लाम धर्म, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति या फिर युगबोध। तो 16 का सही राइट आंसर बताना है और 16 का सही राइट आंसर है आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय पूछा है जो कि माना जाता है इस्लाम धर्म। विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल बताना है, भोपाल है, दिल्ली है, लखनऊ है, अहमदाबाद है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का सही राइट आंसर है कि तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल तो माना जाता है क्या, ये माना जाता है लखनऊ। अर्धवार्षिक पत्रिका मानी जाती है तद्भव पत्रिका, लखनऊ से इसका प्रकाशन स्थल माना जाता है। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर रुद्र साकी काशिकीय, बताइए। व्योमकेश दरवेश इसके लेखक बताना है तो आप सभी का 18 का राइट आंसर होगा। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की संस्मरणात्मक जीवनी आत्मीय शैली में अंकित है। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञे संपादित चौथा सप्तक में किया गया है, किस कवि का समावेश, जगदीश गुप्त, सुमन राजे नागार्जुन या शंभुनाथ सिंह। तो 19 का राइट आंसर चयन करना है, बताइए। तो सही राइट आंसर है 19 का, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, समन राज्य चौथे सप्तक में सम्मिलित हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। चौथे सप्तक के जो हैं अन्य कवि देख लेते हैं, राजन यादव हैं, श्री राम वर्मा हैं, नंद किशोर आचार्य हैं और स्वदेश भारती हैं, राम कुमार अम्बुज हैं, अवधेश कुमार हैं, ये चौथे सप्तक के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, 20 अथातु घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है, ये उपन्यास है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है। तो 20 का राइट आंसर होगा आप सभी का, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि ये यात्रा वृत्तांत माना जाता है। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा वृत्तांत है जिसके लेखक माने जाते हैं कौन, राहुल सांकृत्यन जी। क्वेश्चन नंबर आपसे 21 पूछा गया है, निम्नलिखित लेखकों का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम बताना है, कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही होगा। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, इन अनुक्रम में से आपको सही आंसर चयन करना है, बताइए। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 21वां क्वेश्चन है, जन्म के अनुसार बताना है। तो 21 में आपका राइट आंसर है सी यानी कि राजा लक्ष्मण सिंह, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बालमुकुंद गुप्त। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, राजा लक्ष्मण सिंह जी का जन्म 1826 में हुआ था और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका 1844 में इनका जन्म हुआ था और प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म कब हुआ था, 1856 में इनका जन्म हुआ था और बालमुकुंद गुप्त जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1865 में। ये इस प्रकार यहाँ पर सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा होगा। ये कृतियाँ दी गई हैं आपकी यहाँ पर, बताइए कौन सा विकल्प सही राइट आंसर है। 22वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा 22 में, विकल्प नंबर ए की राइट आंसर रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी और षड ऋतु वर्णन और रस रहस्य, ये जो है आपका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 23वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये आपसे पूछा है निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं, उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं और कौन सा विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर होगा चयन कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 23 का राइट आंसर अभी, यानी कि कल्याणी, सन्यासी, आज की डायरी, अपने अपने अजनबी, ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। कल्याणी जैनेन्द्र जी की रचना है, सन्यासी राजचंद्र जोशी जी की रचना है, अजय की डायरी डॉक्टर देवराज, और अपने अपने अजनबी ये मानी जाती है किनकी, अज्ञे जी की रचना 1961 माना जाता है प्रकाशन। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका 24 पूछा गया, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा, ये नाटक दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 पूछा गया है और इसमें आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा सही है, तो राइट आंसर है 24 में विकल्प नंबर डी, यानी कि द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा जी का ये नाटक माना जाता है द्रौपदी, जिसका प्रकाशन 1972 में इसका प्रकाशन हुआ। कथा एक कंस की दया प्रकाश सिन्हा जी का माना जाता है 1976 इसका प्रकाशन हुआ। कबीरा खड़ा बाजार में ये माना जाता है किनका, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी जी का 1981 जिसका प्रकाशन माना जाता है 1981, और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का 1991 इसका प्रकाशन माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है, पत्रिकाएं दी गई हैं यहाँ पर आपको, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, तो आप सभी का यहाँ पर 25 में विकल्प नंबर एक सही आंसर, हिंदी प्रदीप, ब्रह्मांड, चांद और हंस, ये जो है आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है, काल के अनुसार बताना है, तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं, ये कृतियाँ यहाँ पर दी गई हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का आप सभी का सही राइट आंसर लाइक अवश्य कर लेंगे एक बार सभी लोग वीडियो को, विकल्प नंबर 26 का होगा सी, यानी कि पयुमचर्यु, कुमार रासो, विशलदेव रासो और चंदन वाला रास, ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है, क्वेश्चन नंबर 27 में, इन दो विकल्प में से ही आप चयन कीजिएगा क्या होगा राइट आंसर। काल के अनुसार बताना इन आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा सही होगा, तो सही राइट आंसर है 27 का विकल्प नंबर बी राइट आंसर है बामन। बामन जो हैं ये 8वीं सदी के माने जाते हैं, भोजराज जो हैं ये 11वीं सदी के, और रुयक जो हैं 12वीं सदी के माने जाते हैं, और विश्वनाथ जो हैं 14वीं सदी के माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर होगा। इन ग्रंथों का काल के आधार पर निम्नलिखित सही अनुक्रम कौन सा होगा, ये ग्रंथ आपके चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 28 और 28 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। काव्यादर्श दंडे जी की रचना है 6वीं सदी की, ध्वन्यालोक ये 10वीं सदी की आनंद वर्धन जी की रचना है, काव्य प्रकाश जो है ये काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है 11वीं सदी की, और साहित्य दर्पण ये मानी जाती है विश्वनाथ जी की 14वीं सदी की। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए कि चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है, बताइए। 29 में चयन करना है, चार विकल्प आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का डी राइट आंसर है चौपाई, पीयूष वर्धक, रूला और गीतिका, ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में। चार विकल्प दिए गए हैं, बताइए कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर है। 30वां क्वेश्चन है, चार विकल्प हैं आपके, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और
33 का राइट आंसर है भाग्यवती। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का है, 1877 जिसका प्रकाशन माना जाता है। नदी के दीप अज्ञेय जी की रचना है, 1954 जिसका प्रकाशन माना जाता है। अंधेरे बंद कमरे के मोहन राकेश हो जाएंगे, 1961 इसका प्रकाशन माना जाता है। बेदन निर्मल वर्मा 1964 इसका प्रकाशन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं, ये आपके यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 31 है, तो देखिए यहाँ पर सम्मिलित करना है कवि वचन सुधा की कौन हो जाएंगे, तो कवि वचन सुधा की हो जाएंगे कौन, कवि वचन सुधा के हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। ब्रह्मांड के कौन हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी प्रदीप के कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे हिंदी प्रदीप के, बिल्कुल सही। और विश्व भारती के हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं बिल्कुल सही राइट आंसरों का। कूट की बात करें तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर निम्नलिखित कृतियों को उनकी रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, देखिए चलिए सम्मिलित कर देते हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए, इसके कौन हो जाएंगे, मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन हो जाएंगे, बिल्कुल सही। रामनाथ सुमन भावों की तीर्थ यात्रा की कौन हो जाएंगे, भावों की या यादों की तीर्थ यात्रा इसी को बोलते हैं, तो इसके हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर लगा दें राइट आंसर, बिल्कुल। बेदन बेलोग के कौन हो जाएंगे, तो बेदन बेलोग के हो जाएंगे शिव पूजन सहाय, बन तुलसी की गंध इसके हो जाएंगे फणेश्वरनाथ रेणु, बिल्कुल सही। इस प्रकार सम्मिलित किए गए हैं कोड में आपका, यहाँ पर विकल्प नंबर क्या था राइट आंसर, बी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा रूपों के साथ सम्मिलित करना है। ये आपको बताना, जैसे एक कंठ वेस्पा ये किस विधा की रचना है, यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, चलिए यहाँ पर एक कंठ वेस्पाई जो है किस विधा की रचना है, ये आपको चयन करना है। तो यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, ये माना जाता है एक कंठ वेस्पाई जो है गीति नाट्य माना जाता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर जो तीन है उसमें सुमे अन्या से अनन्या इसके कौन हो जाएंगे, इस विधा की रचना है, आत्मकथा है। एक बूंद सहसा उछली ये क्या माना जाता है, यात्रा वृत्तांत। उत्तर योगी श्री अरविंद ये मानी जाती है जीवनी विधा की रचना, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर विकल्प नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित कविताओं को उनकी कवियों के साथ सम्मिलित करना है, चलिए सम्मिलित कर देते हैं सूची एक को सूची दो से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर कविताएं दी गई हैं उनको सम्मिलित करना है कवियों के साथ। यहाँ पर एक कूट भी दिए गए हैं कूट की सहायता से, चलिए कविताओं को कवियों के साथ सम्मिलित करना है। हरिजन गाथा की कौन हो जाएंगे, तो हरिजन गाथा के बताइए कौन हो जाएंगे, हरिजन गाथा के नागार्जुन जी हो जाएंगे। बाघ के कौन हो जाएंगे, बाघ के हो जाएंगे केदारनाथ सिंह। शिवाजी का पत्र इसके कौन हो जाएंगे, निराला जी हो जाएंगे शिवाजी का पत्र। परमत्तु गाथा इसके हो जाएंगे कौन, धर्मवीर भारती। परमत्तु गाथा के कौन हो जाएंगे, धर्मवीर भारती, बिल्कुल सही। यहाँ पर कोर्ट में आपका कोर्ट में जो राइट आंसर था वह विकल्प नंबर एक ही आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 35 से पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं लेखकों के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए देख लेते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्ष पाती हूँ, ये जो पंक्ति है किन की मानी जाती है, तो ये पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मानी जाती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये पंक्ति किन की मानी जाती है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति मानी जाती है, यहाँ पर है रामचंद्र शुक्ल। ए साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये किन की मानी जाती है, बालकृष्ण भट्ट जी की पंक्ति मानी जाती है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। और आचरण की सभ्यता का अहदेश ही निराला है, ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, सरदार पूर्ण सिंह की, विकल्प नंबर ये जो है डी में सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार बहुत बढ़िया कूट में आपका राइट आंसर था विकल्प नंबर
आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निबंध संग्रहों को उनके निबंधकारों के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। कूट भी यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये तो सभी को पता होगा। क्या है राइट आंसर? विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र हो जाएंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। प्रिया नीलकंठी के कौन हो जाएंगे? प्रिया नीलकंठी के हो जाएंगे कौन? कबीर नाथ राय। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती हो जाएंगे। आलोक पर्व के कौन हो जाएंगे? आलोक पर्व के हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका कूट में जो राइट आंसर है विकल्प नंबर क्या होगा? सही आंसर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 पूछा है, कवियों को उनकी पंक्तियों के साथ सम्मिलित करना है। चलिए ये पंक्तियाँ दी गई हैं, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात। ये जो पंक्तियाँ हैं ये पंक्तियाँ किनकी मानी जाती हैं? बात बोलेगी ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति। यहाँ पर आपकी और विकल्प उस साइड दिए गए हैं। मुक्त करो नारी को मानव, ये किनकी मानी जाती है? पंत जी की पंक्ति मानी जाती है। बिल्कुल। और भी यहाँ पर देख लेते हैं, और भी यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं रूपों में। और देखिए रूपों में एक रूप अरूप सदा खिलता है, रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? ये पंक्ति मानी जाती है अज्ञेय जी की। बांधो न निष्ठाओं बंधु, इस ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? निराला जी की। और व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो ये पंक्ति मानी जाती है किनकी, बताइए? ये पंक्ति आपको कमेंट में बताना है, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है कि व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, ये कमेंट में आप जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। केशव कहीं कहीं ना जाए का कहिए, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, बताइए? ये पंक्ति तो सभी को पता होगा, ये पंक्ति मानी जाती है तुलसीदास जी की। अव्यगत गति कछु कहत न आवे, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है, बताइए? ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? सूरदास जी की। बिल्कुल सही। राम भगति अनियारो नीर, ये पंक्ति किनकी मानी जाती है? तो ये पंक्ति मानी जाती है कबीर जी की। और जोई लाई रकत के ले, ये मान जोरी लाई रकत के ले, ये पंक्ति जायसी जी की पंक्ति मानी जाती है। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है कृतियों को उनके कवियों आचार्यों के कवि आचार्यों के साथ सम्मिलित करना है। रस रहस्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कूट भी यहाँ पर दिए गए हैं, देख लेते हैं। एक कूट है तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। रस रहस्य की तो सभी को पता होगा, कुलपति मिश्र हो जाएंगे। रस सारांश की कौन हो जाएंगे? रस सारांश के हो जाएंगे भिखारी दास। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन हो जाएंगे? चिंतामणि हो जाएंगे। बिल्कुल सही। ललित ललाम के कौन हो जाएंगे? मतिराम। बिल्कुल सही। सरल हते सरल थे ये क्वेश्चन, तो जल्दी से सम्मिलित कर दिए गए। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी भाषा के साथ सम्मिलित कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कवितावली, इसकी भाषा बताना है। कूट भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो चलिए यहाँ पर कवितावली की जो भाषा मानी जाती है वह क्या मानी जाती है? ब्रजभाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या मानी जाती है? पिंगल। बरवई नायिका वेद की भाषा क्या मानी जाती है? बरवई नायिका वेद की अवधि। और अमीर खुसरो की मुकरियाँ, इसकी जो भाषा मानी जाती है क्या मानी जाती है? खड़ी बोली। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41, स्थापना उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है। तर्क यानी कि आर, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ है। अब आपको यहाँ पर बताना है, ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है कौन सा गलत है? तो 41 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। तो यहाँ पर आपके जो ए और आर हैं ये दोनों सही हैं, स्थापना और तर्क दोनों सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि देखिए, स्थापना ये यानी कि अधिकतर मनोवृत्तियों के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादम्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। तर्क यानी कि यार आस्वादन के समय पाठक वेदांत शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। अब आपके लिए यहाँ पर बताना है ये सही या फिर आर सही या दोनों सही, ये आपको चयन करना है। यहाँ पर बताइए 43 में आपके लिए बताना है, तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 43 का, ये सही आंसर है, यानी कि ये गलत है आर सही है। तो आपका यहाँ पर जो है ये गलत है आपका, और जो आर यानी कि तर्क दिया है वह आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, स्थापना यानी कि ये जो वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय ना होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। तर्क यहाँ पर दिया गया है, संप्रदाय में एकाधिक विचारों की सहभागिता अनिवार्य होती है, इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। अब आपके लिए यहाँ पर बताना है 43 में क्या होगा राइट आंसर, तो 43 में आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर सही हैं, तो बिल्कुल सही, स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दिया गया है, क्या दिया गया है 44वां क्वेश्चन, स्थापना देखते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपाद का प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। तर्क दिया गया है, जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। अब 44 में आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर, 44 में आपका विकल्प नंबर बी आ रहा है राइट आंसर, ए और बी दोनों सही, ए और बी दोनों सही, आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, तर्क और स्थापना दोनों सही हैं। यहाँ पर स्थापना दी है, प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। तर्क दिया है, इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सर्जन किया जाता है। अब यहाँ पर आपके ये विकल्प दिए गए हैं 4, इनमें से चयन करना है कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तो 45 में विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, ए सही और आर गलत है, तो आपकी स्थापना सही है और जो तर्क है वह आपका यहाँ पर कैसा है गलत है, बिल्कुल सही राइट आंसर विकल्प नंबर यहाँ पर जो ए है वह आपका सही राइट आंसर होगा। अब आगे आपके जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपकी इस अवतरण को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वह 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर नहीं पूछे, पद्यांश टाइप का दिया गया है, इसको छोड़ देते हैं 5 नंबर का। तो इस प्रकार का आपका जो है ये पेपर आया था 2013 में, ये पेपर आपका पूछा गया था UGC नेट JRF परीक्षा दिसंबर जो 2013 में हुई थी, उसी का ये हल प्रश्न पत्र है हिंदी का और द्वितीय प्रश्न पत्र है ये। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे सभी लोग। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।